हेलो, नमस्ते। सब लोग कहते हैं कि फीलिंग की बात है, कि जो भी हमें अपने लाइफ में चाहिए उसके लिए वो फीलिंग क्रिएट कीजिए। अगर हमें अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए तो अभी आप जिस भी सिचुएशन में हैं उसको, करंट रियलिटी को भूल कर, अभी क्या चल रहा है उसको साइड में रखकर वो फीलिंग क्रिएट कीजिए कि आप बहुत हैप्पी हैं, बहुत हैप्पी हैं। लेकिन होता क्या है कि कई बार सिचुएशन इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है कि वो हंसी भी नहीं आती, वो खुशी भी नहीं आती, तो ऐसे में क्या करें। और कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह से खुश हैं लेकिन अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन हो गई, ऐसी बात हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ ट्रिगर कर दिया कि हमारा जो वो खुशियाँ वाला मोड था वो बिल्कुल चेंज हो गया और हम फुली नेगेटिव वाइब्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने लिए एक आइसोलेशन पॉइंट डिफाइन रखिए। अब आइसोलेशन पॉइंट क्या है? देखिए, अगर आपको नेगेटिव वाइब्रेशन से पॉजिटिव वाइब्रेशन की तरफ ट्रैवल करना है तो दो तरीके हैं। पहला, जो भी नेगेटिव किसी इंसान के बारे में अगर आपके फॉर एग्जांपल माइंड में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो उस इंसान की अच्छी बातें याद कीजिए। लेकिन कई बार कोई अगर हमें कुछ बोलता है, इतना गलत बोल देता है कि हमसे सहन नहीं होता, और उस समय पे तो एटलीस्ट हमारे मन में उनके लिए कोई पॉजिटिव बात नहीं आती, तो ऐसे में क्या करें। तो दूसरा तरीका है उस बात को साइड में रख के कंप्लीटली ऑफ द टॉपिक, जो बिल्कुल रिलेटेड ना हो, ऐसी कोई पॉजिटिव बात सोचिए। तो इसको कहते हैं आइसोलेशन पॉइंट, कि आप अपना एक आइसोलेशन पॉइंट बना लीजिए। तो इसमें स्टेप्स क्या होंगे, जैसे ही आपको नेगेटिव फील हुआ, जैसे ही आपको लो फील हुआ, तुरंत पहचाने, ज़्यादा टाइम उसमें डांस नहीं करते रहिए, उस नेगेटिव धारा में हमें ज़्यादा समय रहना नहीं है। सबसे पहला है रिकग्नाइज। हम डॉक्टर के पास कोई बीमारी लेके जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले सिम्टम पूछता है ना, तो जैसे ही सिम्टम पूछता है फिर उसके हिसाब से वो आपको इलाज करता है। तो हमें सिम्टम कैसे पता चलते हैं? जब हमें पता चलता है कि अगर किसी को बुखार है या सिर दर्द है, तो हमें पता चलता है कि नॉर्मली तो मेरा सिर कभी नहीं दुखता, ये सिर दुख रहा है तो दिस इज़ अ सिम्टम, राइट? चक्कर आ रहे हैं, नॉर्मली तो नहीं होते, दिस इज़ सम सिकनेस, राइट? सो सेम वे आप अपनी नेगेटिव वाइब्रेशन की सिकनेस को भी पहचाना सीखिए। तो जैसे ही आपको नेगेटिव फील हो रहा है ना, तुरंत समझ जाइए, ओ ओ ओ, नॉक नॉक नॉक, इट्स द टाइम टू डू सम वर्क, है ना? तो सबसे फर्स्ट स्टेप है रिकग्नाइज। रिकग्नाइज कर लिया, अब सेकंड स्टेप, अगर आप वो कोई बात वैसे बात है, जैसे कोई मनी की या इस तरह की कोई बात है मटेरियल के रिलेटेड, तो आप पॉजिटिव उसको कन्वर्ट कर लीजिए कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास हमेशा अबंडेंस है, जो मुझे चाहिए वो सब कुछ है, इस काम को कंप्लीट करने के लिए हर तरह के रिसोर्सेज, हर तरह की सपोर्ट, हर तरह की गाइडेंस एंड क्लैरिटी मेरे पास है, इस तरह से। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ है कि आप उस समय उसकी पॉजिटिविटी अपने मन में नहीं ला सकते, तो उस टाइम पे आपको एक अपना डिफाइंड आइसोलेशन पॉइंट रखना है। आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। जब मेरी बच्ची कभी परेशान हो जाती है, या उनके साथ ये भी होता है कि कभी वो स्कैर्ड हो जाती हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि बेटा पॉजिटिव सोचो, तो बोलती कैसे मम्मा कैसे। तो उनको मैंने हमारे घर में कुछ इवेंट आने वाला है, तो मैंने उनको एक आइसोलेशन पॉइंट दिया है, या स्विच पॉइंट दिया है। मैंने उन्हें बोला है कि जब भी आप परेशान हो किसी भी बात को लेकर, आप तुरंत सोचा करो कि उस इवेंट में आप कौन से कपड़े पहनोगे। अभी कपड़े बनवाए नहीं हैं तो आप मुझे बताइए कि कौन से कलर का लहंगा आपको पहनना है, नीचे स्कर्ट कौन से कलर की होगी, वर्क कौन से कलर का होगा। तो दिस इज़ हर स्विच वर्ड। देर इज़ अनदर वन, कोई स्टूडेंट है जिनके साथ मैं काम करती हूँ, उनको डांस करना बहुत पसंद है, वो शुरू से डांस में बहुत अच्छी हैं। तो उनके लिए स्विच वर्ड है कि एक पर्टिकुलर सॉन्ग अपने माइंड में फिट करके रखिए कि जिस पे आपको सबसे ज़्यादा पसंद है डांस करना, वो सॉन्ग चलाइए, सिर्फ 50 सेकेंड्स के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए उस पर डांस कीजिए। लेकिन आई एम श्योर जब आप करने लगोगे तो आप लंबे समय तक करते रहोगे डांस। इसी तरह से किसी के लिए चाय पीना हो सकता है, किसी के लिए म्यूज़िक सुनना हो सकता है, किसी के लिए अपने बच्चों के साथ खेलना हो सकता है। इसी तरह से एक और हैं जिनके साथ मैंने काम किया, तो उन्होंने बोला कि जब वो लो होती है तो जो उनका स्विच, वो जो आइसोलेशन पॉइंट है, वो उनकी छोटी सी बच्ची है, वो अपनी बच्ची को लेती हैं, अंदर ले जाती हैं रूम में और उनके साथ खूब खेलने लगती हैं। तो सबसे पहले वो जगह भी चेंज कर देती हैं, अगर वो किचन में है या लिविंग रूम में है जहाँ उनको कोई बात वरी कर रही है, कोई स्ट्रेस आ रहा है, तो वो जगह चेंज कर देती हैं। उसके बाद अपनी बेटी को उसके टॉय रूम में लेके जाकर वहाँ खेलने लगती हैं। तो इसी तरह से सबका आइसोलेशन पॉइंट, सबका स्विचिंग पॉइंट अलग अलग होगा। जो चीज़ें मेरे लिए, जो चीज़ें मुझे खुश करती हो सकता है आपको ना करें, और किसी को बच्चा खुश कर रहा है तो हो सकता है दूसरे के पास बच्चा ही ना हो, कोई वो सिंगल हो,
है ना। तो सबसे पहले बैठ कर ना चीज़ें लिखिए, 10-15 चीज़ें लिखिए आपको क्या करना अच्छा लगता है, और वो ऐसी चीज़ जिसके लिए आपको कोई एकदम मार्केट या ऐसे लंबा चौड़ा काम ना करना पड़े। किसी को पेंटिंग हो सकता है बहुत पसंद हो, लेकिन अगर आप सोच रहे हो उस सिचुएशन में आके आपको पेंटिंग करनी है और आपको बाजार भागना पड़े रंग लेने के लिए, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि वो आप अपना एक पॉइंट रखिए, स्विचिंग पॉइंट रखिए, आइसोलेशन पॉइंट रखिए। आप वो कीजिए जो इमीडिएटली आप कर सकें, उसके लिए आपको कुछ नहीं है जरूरत। कुछ लोगों को अपने आप को पेपर करना बहुत अच्छा लगता है, तो अगर आपको कोई फेस पैक या कोई भी ऐसी पेम्परिंग रूटीन या फुट स्पा या कोई भी चीज़ जो आप घर पे कर सकते हो वो कर सकते हो, तो आप वो स्टार्ट कीजिए। तो इस तरह से जो आपका आइसोलेशन पॉइंट है वो आपके माइंड में होना चाहिए। जैसे ही आपके नेगेटिव कोई वाइब्रेशन गई, नेगेटिव थाट गए, आप तुरंत उसको पहचानिए और अपना जो भी आइसोलेशन पॉइंट है उसको अडॉप्ट कीजिए, और आप एकदम से आप चेंज देखेंगे अपनी वाइब्रेशन में, आपकी जो वाइब्रेशन है वो अप हो जाएगी। तो अगर आपने ये वाली टेक्निक यूज़ करी तो प्लीज़ अपने जो स्टोरी है वो ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए, हम सभी फैमिली मेम्बर्स, सभी कम्युनिटी मेम्बर्स की हेल्प कर पाएँ। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के बाय।